हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है ग्रुप डी फिजिकल के ऊपर। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि रनिंग नहीं हो पा रही है, रनिंग में टाइमिंग का इशू है और सांस फूल रही है और घुटनों में दर्द है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग के प्रॉब्लम जो थी उन्हीं से रिलेटेड मैंने आज की वीडियो बनाई हुई है। तो वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आप लोगों के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं जिससे आप लोग अपनी रनिंग अच्छी कर सकते हैं। वैसे अभी आप लोग के पास अब नवंबर का पूरा महीना है, दिसंबर है, जनवरी है, तो रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता है, जो कुछ लोग रिजल्ट के बाद जो तैयारी करना चाह रहे हैं उनको भी टाइम मिलेगा, जो उनको लगता है कि थोड़ा डाउट्स है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, उनको भी करीबन 1 मंथ के आसपास टाइम मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है टाइम नहीं मिलेगा। और जो अभी से जो आश्वस्त है कि हाँ उनका है, वो हो जाएगा, वो अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। तो वैसे अगर आप लोग अभी से प्रैक्टिस कर शुरू करते हैं तो आप लोग को काफ़ी इजी हो जाएगा, और जिन लोग की रनिंग नहीं बन रही उनके लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है। अभी टाइमिंग भी है, आप लोग रनिंग कर सकते हैं। तो आप लोग को कोई भी डाउट्स होंगे तो आप लोग वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो एंड तक देखना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्रुप डी में फिजिकल की जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर रनिंग की, तो उनमें कॉमन क्वेश्चंस हैं कि सर हमारी रनिंग नहीं बन रही है और हम दौड़ भी रहे हैं और टाइमिंग भी कम नहीं हो रही, प्लस जो घुटनों में दर्द है और पिंडलियों में दर्द होता है, नीचे नी में दर्द होता है, वो हो रहा है। ठीक है, वो कम नहीं हो रहा है और टाइमिंग भी कम नहीं हो रही है। तो उसके मेन 3 रीज़न हो सकते हैं। एक तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम कैसे लाइफ स्टाइल हमारी है, और ज़्यादातर हमने देखा है कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है, उस पर बहुत कम हम लोग का रनिंग बहुत कम हो गया है। पहले से तो फिर भी थोड़ा बहुत रनिंग हो जाती थी, अब तो रनिंग बिल्कुल, मतलब बहुत कम लोग हैं जो रनिंग करते हैं डेली रूटीन में। और ऊपर से फिर टेक्निक हमारी कैसी है, हम किस टेक्निक से दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अभी टेक्निक ही नहीं पता है रनिंग की। ठीक है, जाते हैं और सीधा दौड़ना शुरू कर देते हैं और उसी वजह से हमको इंजरी वगैरह भी होती है, दर्द वगैरह भी होते हैं। 2-3 किलोमीटर रोज पर डे दौड़ रहे हैं फिर भी टाइमिंग कम नहीं हो रही है और वही घुटनों में पिंडलियों में दर्द लगातार बना हुआ है। और एक मेन रीज़न है मोटापा। ठीक है, वेट उनका अगर आपका देखना, ज़्यादा 60 से 70% केसेस में मैंने देखा है, वेट अगर ज़्यादा आपका रहेगा तो रनिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये 3 मेजर मेजर रीज़न है जो देखे गए हैं जो रनिंग में दिक्कत करते हैं आप लोगों को। यहाँ पे सवाल ये निकल के आता है कि हम रनिंग को बेहतर कैसे करें, कैसे हम अपनी ग्रुप डी के जो फिजिकल की तैयारी है वो बेहतर तरीके से करें, और कुछ गलतियाँ जो नए जो लोग रनिंग पे करते हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा, जिससे आप लोग की ना टाइमिंग सही से निकल के आ रही है और रनिंग आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसका फायदा आप लोग को नहीं मिल रहा है। आप रनिंग रोज एक्सरसाइज, खाली टाइम वेस्ट आपका हो रहा है रनिंग पे। तो क्या चीज़ें हैं वो मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले जो रनिंग आप लोग करने जाते हैं, या मॉर्निंग का टाइम हो या इवनिंग का टाइम हो, ज़्यादातर बेहतर वैसे मॉर्निंग का टाइम रहता है, तो मॉर्निंग पे टाइम आप सीधे जाते हैं, सीधे रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं ग्राउंड में जाके। वही सबसे बड़ी आप लोग की गलती रहती है और ज़्यादातर कैंडिडेट वही गलती कर रहे हैं, जो रनिंग करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर वही गलती दोहरा रहे हैं। तो सबको जाते ही आप लोग को रनिंग नहीं करनी है, और कुछ एक्सरसाइज मैं आप लोग को बताऊंगा, या जिसको आप वार्म अप भी कह सकते हैं, वार्म अप में, ठीक है, दौड़ने से पहले वो एक्सरसाइज अगर आप लोग करेंगे तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो तुरंत दौड़ने से आपका क्या होता है कि जो हार्ट बीट आपकी होती है वो फास्ट हो जाती है, जल्दी आप लोग की सांस फूलती है और आपको एनर्जी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो वार्म अप आप लोग कर सकते हैं, और वार्म अप आप लोग स्क्वाट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरीके से आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं, टेबल टॉप लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे, ठीक है, जिस तरीके से आप लोग दिख सकते हैं, और वॉकिंग लंज करके एक एक्सरसाइज होती है वो भी आप लोग कर सकते हैं, और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेचिंग ना करें। ठीक है, लिमिटेड आप लोग ये वार्म अप, ऐसा नहीं है कि जाते ही वार्म अप करें और वार्म 1 घंटा वार्म अप ही करते रहें, ऐसा नहीं है। करीबन आपको 15 से 20 मिनट वार्म अप आपको लोग को करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि एक बिल्कुल धपाक करके करते रहना है, थोड़ा थोड़ा इसमें बीच में रिलैक्स लेते रहना है 1-1 मिनट का, और स्ट्रेचिंग करनी है, पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है, हाथों को खोलना है, ठीक है, पांव घुटने पूरे आप लोग शरीर को स्ट्रेच करिए, खोलिए, ठीक है, पूरा शरीर आपको जब पूरा खुल जाएगा बढ़िया तरीके से, तब आपकी रनिंग और अच्छी होगी, तब आपको रनिंग करने में और आसानी होगी। और सबसे बढ़िया हो सकता है रस्सी कूद आप लोग कर सकते हैं, रस्सी कूद बहुत अच्छे एक्सरसाइज होती है, इसमें पूरी बॉडी क्या होती है, फ्री हो जाती है, खुल जाती है, अगर आप रस्सी कूद करते हैं वो भी ठीक है। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी सांस को ज़्यादा लंबा रखने के लिए, ठीक है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, लंबी सांस लेना और, ठीक है, गहरी सांस लेके छोड़ना, वो एक्सरसाइज आप थोड़ा उससे पहले करेंगे। और योगा बेहतर हो सकता है जिससे आपकी टाइमिंग, क्योंकि रनिंग क्या होती है, पूरा एक रनिंग आपको भी एक साइंस है, पूरा रनिंग पूरा एक साइंस ही है, ठीक है, फिजिकल साइंस है, जिसमें आप लोग को अच्छे तरीके से जानना होता है कि किस तरीके से रनिंग हमारी बेहतर हो सकती है। तो वार्म अप आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, और भी एक चीज़ है, और रनिंग से पहले आप लोग क्या खाएं, ठीक है, रनिंग से पहले क्या खाना चाहिए आप लोगों को, तो रनिंग से आधे घंटे पहले, ठीक है, रनिंग से आधे घंटे पहले आप क्या ले सकते हैं, केला वगैरह ले सकते हैं एनर्जी के लिए,
मॉर्निंग में, ठीक है, चने वगैरह ले सकते हैं भिगोए हुए, ठीक है। अगर आप लोग बादाम काजू अफोर्ड कर सकते हैं तो ये आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं भिगोए हुए मॉर्निंग में। लेकिन पानी, अगर आप लोग पानी के लिए सोचें तो पानी आप लोग आधे घंटे पहले ही पी लें, ठीक है। और रनिंग से अगर आप पहले पानी लेंगे तो मैं हिदायत देता हूँ कि रनिंग में क्या होता है, अगर आप पानी पियेंगे तो रनिंग करते हुए आपको काफ़ी दिक्कत होगी, वही चीज़ आप रनिंग के बाद भी करें, ठीक है। तुरंत पानी ना पिए, रनिंग के बाद भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए उसके बाद पानी पिए, वो उससे क्या होगा कि आप लोगों का जो रनिंग के बाद आप लोगों को पानी पियेंगे तो उससे आप लोगों का तुरंत पानी पीने से जो कि बॉडी क्या रहती है एकदम गर्म रहती है उसके बाद, तो वही आप लोग का क्या करेगा घुटनों में अचानक से दर्द करता है, वही चीज़ आप लोग की ज़्यादा। और ध्यान रहे, ठीक है, एनर्जी वाली चीज़ें खाएं जिसमें प्रोटीन हो, अंडा वगैरह ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, कार्ब्स ले सकते हैं, ठीक है, इन दिनों में। लेकिन तली भली जो चीज़ें हैं वो ना लें, ज़्यादा ना खाएं उस चीज़ को, उससे आपकी रनिंग की क्या होगी, एक्सरसाइज में रनिंग में आप लोग को दिक्कत होगी, ठीक है। और रनिंग में का स्टेमिना आपका क्या करता है, कम करेगा रनिंग स्टेमिना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, एनर्जी वाली चीज़ें लें जिनमें प्रोटीन हो, ठीक है, कार्ब्स अच्छा खासा मिले आप लोग को, इन चीज़ों को अगर आप लेंगे तो आप लोग को रनिंग से पहले, मैं बता दूंगा बाद में क्या लेना है आप लोग को। तो फिलहाल आप लोग ये सारी एक्सरसाइज करें, आप लोग को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा वार्म अप में, ठीक है। तो 15-20 मिनट का पहले वार्म अप हो जाएगा रनिंग से पहले, और उसके बाद फिर आप लोग की क्या टेक्निक हो सकती है इसमें दौड़ने के लिए वो हम देखेंगे। तो रनिंग को बेहतर करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है टेक्निक, यानी तकनीक, कि किस टेक्निक से हम दौड़ें जिससे हमारी जो रनिंग है वो अच्छी हो, और ख़ासकर जो न्यू अभी जो जो दौड़ रहे हैं जो कैंडिडेट हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है क्योंकि ज़्यादा पता नहीं रहता है कि कैसे दौड़ना है क्या करना है। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे आप अपनी रनिंग को और अच्छा कर सकते हैं। तो रनिंग का जो फंडा बेसिकली है वो शुरुआत में दूरी समय चाल पे ही डिपेंड करता है। अगर आप नए हैं, अगर आपसे नहीं दौड़ा जा रहा है शुरू में, तो आप क्या कर सकते हैं, हल्का हल्का रनिंग कर सकते हैं, ठीक है, अपनी डिस्टेंस को सीमित कर सकते हैं, हल्का टाइमिंग ले सकते हैं, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, ठीक है। टाइमिंग पे ध्यान मत दीजिए, चाल पे भी ध्यान मत दीजिए कि हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो आप सिर्फ डिस्टेंस पे ध्यान दीजिए, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आप तय कर लीजिए कि मुझे शुरुआत में इतना दौड़ना है और इस हिसाब से दौड़ना। शुरू में आप लोग को जरूर प्रॉब्लम होगी, सभी को प्रॉब्लम होती है, चाहे मैं है आप है चाहे कोई भी कितना भी बड़ा धावक क्यों ना हो, उसको शुरू में सबको दिक्कत होती है। और बात करें लगातार दौड़ की, ठीक है, सेकंड नंबर पे आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आप 3 दिन दौड़े उसके बाद फिर आपने रेस्ट ले लिया, फिर आप 5वें दिन दौड़ रहे हैं, फिर उसके बाद 9वें दिन दौड़ रहे हैं, यानी 2-3 दिन का गैप आपने ले लिया, आपने आपको लगा यार कि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, अब हम उससे नहीं दौड़ा जाएगा और आप बिल्कुल एकदम बैठ गए हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी और रनिंग खराब हो जाती है, ठीक है। जैसे आप दौड़ते हैं फिर रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, 2-3 दिन नहीं दौड़ते हैं, उससे रनिंग खराब होती है। आपको कंटिन्यूस रनिंग करनी है, और रेस्ट कब लेना है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और सांस लेने का, ज़्यादातर कैंडिडेट्स की सांस मैं सुन रहा हूँ, जो सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग पावर जो कम होती है, उसमें रनिंग के वक्त आप क्या कर सकते हैं, नाक से सांस ले सकते हैं, मुंह से सांस छोड़ सकते हैं। वैसे इसका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन फिर भी जो नाक से सांस लेना होता है वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है मुंह से। तो इससे क्या होता है कि आपकी जब आप रनिंग करते हैं, रनिंग के वक्त क्या होता है कि बॉडी को, मसल्स को, पूरे मसल्स को क्या रहता है, फटाफट एनर्जी की जरूरत रहती है, ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तो उसी जरूरत को देखते हुए क्या होता है, हमें फटाफट अपनी जो, अगर हम ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहे हैं, स्पीड से अगर दौड़ रहे तो हमें उतनी ही ज़्यादा सांस लेनी होती है, छोड़नी होती है, सांस लेनी होती है। अगर हम कम दौड़ रहे हैं तो हमें क्या होती है, हल्की सांस लेनी पड़ती है। तो आप कोशिश करके, आप जब हल्का दौड़ रहे हैं तो आप हल्की सांस लें, हल्की सांस छोड़ें, ठीक है। अगर आप ज़्यादा तेज़ दौड़ रहे हैं, रनिंग स्प्रिंट मार रहे हैं, तो सांस ज़्यादा लें और ज़्यादा, ठीक है, इससे आपका क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा बॉडी के साथ। और हर हफ्ते आप अपनी रनिंग बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपको लगता है कि जैसे आप इस पूरे हफ्ते 1 किलोमीटर दौड़े तो अगले हफ्ते आप लोग अपनी रनिंग बढ़ा सकते हैं, वो अपने आप अपनी क्षमता के हिसाब से बढ़ा सकते हैं कि आपको जितना ठीक लगे। लेकिन धीरे धीरे आप रनिंग बढ़ाइए और धीरे धीरे अपनी स्पीड पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। शुरुआत में अगर रनिंग नहीं भी स्पीड बढ़ रही है तो धीरे धीरे उसको इंक्रीज हर हफ्ते या हर डे बाई डे हल्का हल्का आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो रनिंग का ज़्यादातर जो कैंडिडेट गलती करता है रनिंग के वक्त, उसमें रहता है कि पहले जो दौड़ते हैं वो पूरे एड़ी के बल दौड़ते हैं, ठीक है, जो पाँव का जो हिस्सा होता है, अगर ये पूरा पाँव है तो इस तरीके से जहाँ से ये शुरू होता है तो यहाँ पर से दौड़ना स्टार्ट, यहाँ पर पटकता है पाँव को, ठीक है। तो पाँव को आप लोग को पटकना नहीं है, ठीक है। तो अगर ये पाँव है तो इस हिस्से को आपको नहीं रखना है, पहले आपको इस हिस्से को कोशिश करना है कि इस हिस्से को पहले पाँव को रखा जाए, ठीक है, पंजे पर आगे रखा जाए, उसके बाद फिर पीछे वाला हिस्सा पूरा पाँव का रखा जाए। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, अगर आप रनिंग अच्छी करना चाहते हैं अपनी, तो इससे क्या होगा कि अगर आप पाँव पटकेंगे, अगर आप शुरू वाला पाँव
पटकेंगे, उससे क्या होगा आपके घुटने में, घुटने की इंजरी भी हो सकती है आप लोगों को अगर आप इस हिस्से को पटकेंगे, और आपका पाँव में भी दर्द होगा, जो ज़्यादातर कैंडिडेट बोलते हैं कि सर पाँव दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, एड़ी में दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ें जो होता है वो एड़ी के बल, आप लोग को ज़्यादा नहीं पटकना, पाँव को पटक के नहीं दौड़ना है। और जो दौड़ने की जो पोजीशन है होता है, जैसे सिर, उसमें क्या करते हैं बहुत से लोग क्रॉस दौड़ते हैं सिर ऊपर करके, कोई सिर नीचे करके, तो सिर को आपको बिल्कुल सामने रखना है, जो आपका जो ये ठीक है सर जो होता है पूरा एकदम सामने रखना है आपको, सामने की तरफ को पूरा, और बॉडी की पोजीशन एकदम ऐसी सीधी होनी चाहिए, जिससे आप लोग को क्या होगा अगर आप सर के बल, आपको अगर सर में आप लोग को किसी ऊपर या नीचे आप इस तरीके से आगे झुक के बिल्कुल दौड़ेंगे बिल्कुल नेक को अपने, तो उससे नेक पेन हो सकता है आपका, ठीक है, और रीढ़ की हड्डी में भी आप लोग का दर्द हो सकता है, जिससे आप लोग की इंजरी हो सकती है दौड़ते वक्त, ठीक है, मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है आप लोग के, या किसी या रनिंग के बाद किसी तरीके की पेन आप लोग को हो सकता है, ज़्यादातर पेन दिक्कत यही करता है, ठीक है। तो शुरू शुरू में आप लोग कोशिश करें, और वीकली आप लोग कोशिश करें कि एक बार आप स्प्रिंट वगैरह जो तेज दौड़ते हैं ना 100 मीटर की, आप स्प्रिंट मारे जरूर, इससे आप लोग की क्या होती है सहनशीलता आपकी बनी रहती है, क्योंकि कभी कभी आपको रनिंग में ऐसा भी हो जाता है कि आप लोग को थोड़ा सा तेज भी दौड़ना पड़ता है, तो आप ऐसा रनिंग को क्या करें एक आध या 100 मीटर के आप स्प्रिंट भी, यानी तेज जो दौड़ होती है 100 मीटर स्प्रिंट, उससे आपकी बॉडी की पता चल जाएगा कि बॉडी किस मोमेंट में आप लोग की चल रही है, ठीक है, फिट है नहीं है, जिससे बाद में अगर आप लोग अभी शुरुआत की नहीं, अगर आप लोग जो रनिंग बेहतर रनिंग जो कर रहे हैं वो वीक में एक दिन ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, उससे आप लोग का पता चल जाएगा कितना पोटेंशियल आप लोग की बॉडी में है, और शुरुआत में आप लोग छोटे छोटे आप स्टेप ले सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ दौड़ना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर मॉर्निंग में जा रहे हैं या इवनिंग में जा रहे हैं तो हल्के हल्के स्टेप लेके दौड़ना, और उसके बाद फिर अगर आप लोग के आप थोड़ा सा प्रो हो जाएंगे तो उसके बाद आप लंबे लंबे कदम लेके दौड़ सकते हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपकी रनिंग और अच्छी हो जाएगी। और रनिंग में बहुत सारे लोग मैंने कैंडिडेट देखे हैं, कोई हाथ खोल के दौड़ता है, कोई हाथों का मूवमेंट उनका थोड़ा सा अलग होता है, तो हाथों का मूवमेंट का आप क्या करना है, तो मुट्ठी को आप लोग बंद कर सकते हैं, मुट्ठी बंद करके दौड़ेंगे तो उससे रनिंग आप लोग की बेहतर रहती है। वैसे ज़्यादातर जो अच्छे जो धावक होते हैं वो ज़्यादातर देखा है मैंने, और एकदम फ्लैट हाथ को एकदम ऐसे करके बिल्कुल सीधा करके भी दौड़ते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप मुट्ठी बंद कर से करके भी दौड़ सकते हैं। और हाथों की जो पोजीशन होती है, बहुत सारे लोग हाथों को बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीछे लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पीछे लेके दौड़ते हैं, सोचते हैं कि इससे रनिंग में कुछ फ़र्क पड़ेगा, तो उससे रनिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हाथों को ज़्यादातर कोशिश करें कि कमर से ऊपर ही अपना हिलाए डुलाएं, ऐसा नहीं कि कमर से नीचे को पूरा नीचे से उठा रहे हैं आप हाथों को, ठीक है, अगर ये पूरी बॉडी है और ये कमर का हिस्सा है तो हाथों का मोमेंट यहाँ कमर से ऊपर ही रखें, और ठीक है, और पैरों की पोजीशन के साथ हाथों का जो पोजीशन होती है वो मैच होना चाहिए, नहीं तो ऊपर नीचे अगर अलग होगा तो उससे भी आप लोग को ठीक है रनिंग में दिक्कत होगी, और हाथों की जो मोमेंट की जो एक लिमिट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हाथ बिल्कुल एकदम पंखे की तरफ फड़फड़ा रहे हैं अपने हाथों को, तो एक लिमिट के साथ अगर पीछे भी आप अगर दौड़ सकते हाथों को पीछे ले रहे हैं तो एक लिमिट के साथ पीछे तक लें, ठीक है, यानी कि बिल्कुल पीछे ही हाथों को दौड़ते वक्त बिल्कुल पीछे ले लिया, ठीक है, तो एक लिमिट के साथ, जैसे आप लोग देखिए स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से आप लोग रनिंग करें, ठीक है, और वीकली एक दिन का रेस्ट आप लोग का होना चाहिए, ठीक है, चाहे आप कितने भी, चाहे आप धावक हो, चाहे ग्रुप डी की तैयारी करो, चाहे किसी भी फिजिकल की तैयारी करो, तब वीकली क्या होना चाहिए, बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है, मसल्स को रेस्ट वीकली मिलना चाहिए, उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं मालिश वगैरह अपना बॉडी को दे सकते हैं उस वीक पे एक दिन रेस्ट पे। बाकी आप लोग पानी वगैरह देखिए पीते रहें, ठीक है, पानी जितना आप लोग दिन में पी सकते हैं, ठीक है, जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वैसे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट रहती है आपसे, और अगर जाड़ों के दिनों की बात करें तो बिल्कुल लोग पानी पीना छोड़ देते हैं, लेकिन आप विंटर के डे आ रहे हैं तो इसमें पानी बिल्कुल बॉडी को हाइड्रेट करें, जिससे आपकी रनिंग में बहुत ज़्यादा आप लोग को फ़ायदा मिलेगा बॉडी से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि पानी जितना आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे उतना अच्छा आप लोग को फ़ायदा मिलेगा रनिंग में। और बहुत सारे लोग जो बॉडी में खिंचाव से परेशान रहते हैं या कहते हैं कि दर्द हो रहा है बॉडी में, तो वो लोग शेक वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, बर्फ़ का शेक कर सकते हैं, ज़्यादा पेन हो रहा है तो जेल वगैरह मिलता है मार्केट में, वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो। वैसे मैंने बहुत सारी टेक्निक आप लोग को बता दी हैं जिससे आप लोग का दर्द रहता है, ठीक है, जिस गलत टेक्निक से आप लोग का दर्द रहता है, तो सही टेक्निक से आप दौड़ेंगे और रनिंग आप लोग को करनी है। देखिए जो सांस फूलना ये सब जो चीज़ें रहती हैं बिना रनिंग के ख़त्म नहीं होंगी, जैसे जैसे आप रनिंग करते रहेंगे, वन मंथ आपको सिर्फ रनिंग पे फोकस, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये पूरा वीक आप जो नए हैं वो पूरा एक मंथ रनिंग पे फोकस करें, जो नए नए दौड़ रहे हैं अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो एक मंथ पहले का पहला जो मंथ है उस पर पूरा रनिंग पे ही फोकस करें, कि हमें सिर्फ दौड़ना है, अपनी सांस जो है अपनी जो स्ट्रेच, ठीक है, पोटेंशियल अपना जो है वो बढ़ाना है बॉडी की, ठीक है, वो चीज़ आप लोग करेंगे।
और किसी तरीके की आप लोग को इंजरी वगैरह होती है रहती है तो उसको बिल्कुल आप लोग नेग्लेक्ट मत करिए। आप लोग जरूर डॉक्टर्स वगैरह को सलाह कर लीजिए, कि डॉक्टर जो आप लोग को सलाह देगा वो कोई नहीं दे सकता है। अगर ज़्यादा आप लोग को कोई खतरनाक इंजरी हो गई है गलत तरीके से, रूप डीमा तो खैर 1 किलोमीटर की रनिंग है, कोई हार्ड रनिंग है नहीं। आप लोग का 1 किलोमीटर का रनिंग का टाइमिंग, और टाइमिंग पे अभी ज़्यादा आप लोग फोकस कर रहे हैं तो वो सही नहीं है। नए जो जो है वो रनिंग पे टाइमिंग पे फोकस ना करें। आज इनको दौड़ते हुए महीना भर हो गया है, वो लोग का थोड़ा सा रह सकता है, तो आप लोग मैंने बता दिया कि इन स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। और स्प्रिंट भी आप लोग अभी मार सकते हैं, ठीक है, स्प्रिंट वगैरह भी खींच सकते हैं, 1 राउंड स्प्रिंट कर सकते हैं, तेज दौड़ सकते हैं अगर आप लोग दौड़ते दौड़ते आपको समय हो गया है। तो ये सब टेक्निक्स होती है, अपना डाइट वगैरह आप सही से लें, ठीक है, तली भुनी चीज़ों से परहेज करें, ठीक है, कोक कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब चीज़ें थकावटी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, ज़्यादा फैटी चीज़ें। तो प्रोटीन को डाइट में मैंने पहले भी कह दिया, प्रोटीन कार्ब्स वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ें अपन और मिनरल्स वगैरह चीज़ों को शामिल करें, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, चने वगैरह भिगोए हुए, केले वगैरह, अंडे, तो ये चीज़ें एनर्जी देती हैं दौड़ते वक्त, उन चीज़ों का खान में अपने खान पीन में शामिल करें और फिर बताएं आप लोग का टेक्निक ये सब काम आ रही है नहीं आ रही है। और कोई भी दिक्कत हो आपको रनिंग से रिलेटेड वो आप जरूर कमेंट्स करें, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो पर।